स्टूडेंट्स देखो एक्सरसाइज 2.1 में इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस अपना चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन डे क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सॉल्यूशन में देखो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/x इन दोनों पार्टों को किया है प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन। अब देखो यहाँ से मैंने पढ़ा है प्रॉपर्टी में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू 1/4 y की वैल्यू 1/x 1 माइनस 1/4 इंटू 1/x प्लस। अब देखो एक और पढ़ते हैं अपन यहाँ से 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखो उसमें यूज करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू 1/5 माइनस 1 माइनस 1/5 इसका होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन। अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4x इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल x बचेगा x से x कैंसिल हो जाएगा तो 4 नीचे आ गया 4x इसका एलसीएम तो 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 2 को 1 से करेंगे तो 2/5 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन 4। ओके अब यहां से फर्स्ट 4 से होता है सेकंड 3rd से होता है तो देखो ये आएगा आपका tan इनवर्स x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4x। ओके यहां से ये हो जाएगा 4x इंटू 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स इसका मैं यहां से क्या ले लेती हूँ एलसीएम तो ये आ जाएगा 2/5 इसका एलसीएम आ जाएगा 25 तो 25 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन 4। नेक्स्ट देखो अपन यहां से करेंगे तो इससे ये तो क्या आ जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये फर्स्ट 4 से सेकंड 3rd से तो देखो आपका क्या आएगा यहां से ये आएगा tan इनवर्स x प्लस 4 आपका चल रहा है यहां से नीचे आपका यहां से क्या है देखो 4x माइनस 1 तो यहां से है 4x माइनस 1 आगे देखो नेक्स्ट टर्म है प्लस tan इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 नीचे है 5 तो ये कितना बचेगा आपका 24 तो 5 × 24 प्लस उसके बाद है आपका tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो यहां से है tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 ये पार तो आपका ऐसा कैसे ही है यहां से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 5 और इसको किया तो यहां से ये हो गया 12 तो ये आ गया आपके पास में tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो इन दोनों में फिर से यूज करूंगी अभी अपन ने पढ़ा है क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो देखो tan इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस फिर क्या आएगा y यानी y आपके पास में ये तो आपका ऐसा कैसे ही एक बार इसमें नहीं अपन इन दोनों में यूज करते हैं तो यहां से आएगा tan इनवर्स
x की वैल्यू 5/12, y की वैल्यू 1/6 अपॉन 1 माइनस, आपको पता है प्रॉपर्टी में 1 माइनस आ रहा है तो x आ रहा है, उसके बाद x की वैल्यू क्या है 5/12 इंटू y की वैल्यू क्या है 1/6 इक्वल पाई अपॉन। आप देखो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो ये है tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और यहां से 5 हो जाएगा प्लस 6 टू जा 12 अपॉन, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और यहां हो जाएगा यानी 1 लगा के ले लेंगे इसका भी एलसीएम, तो 72 माइनस 5 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो ये चल रहा है tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 5 × 7 = 12, और ये कितना हो जाएगा 67 अपॉन 72 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो यहां से ये है tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, ये फर्स्ट 4 से हो जाएगा सेकंड 3rd से, तो 7 × 72 और 12 × 67, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम इक्वल पाई अपॉन 4। अब इनको अपने पास में यहां से है tan इनवर्स x प्लस 4 4x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, यहां बचा 7 × 6 = 42 अपॉन 67 इक्वल पाई अपॉन 4। फिर से इसको क्या ले लेंगे यहां से x, इसको क्या ले लेंगे y, और इसमें प्रॉपर्टी फिर से यूज कर देंगे, अब यहां से देखो अपन ने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां से देखो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, यहां से x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1, ये x की वैल्यू है, प्लस क्या है y, तो y की वैल्यू है 42 अपॉन 67, 1 माइनस x की वैल्यू अपने पास में है x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 इंटू वाई है 42 अपॉन 67 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो यहां से इसका फिर से एलसीएम लेते हैं तो आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 67, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 67 प्लस 67 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 42 4x माइनस 1, नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 67, ये आएगा 4x माइनस 1 इंटू 67 माइनस, इधर आपका बचेगा x प्लस 4 इंटू 42 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस इसकी, तो देखो यहां पर ये है tan इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 अंक्स, इसको करेंगे तो 28 × 4 = 24 प्लस 42 को 4 से करेंगे 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16 अंक्स माइनस 42 × 5 = 40, नीचे आपका चल रहा है 4x माइनस 1 इंटू 67, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा 268 अक्स, और इसको करेंगे तो माइनस 67, ये देखो 42 या माइनस आती दे लो तो माइनस के 42 अक्स हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16, और नीचे वाला पार्ट है आपका 4x माइनस 1 इंटू 67 इक्वल पाई अपॉन
अब देखो नेक्स्ट टर्म आपका यहां से ये है टेन इनवर्स। अब देखो इसका और सॉल्यूशन करेंगे तो ये 67 आपका ये 168 है, तो एट सेवन 15 1 13 1 2 3 5 वर्स और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 6 2 2 अपॉन नीचे है आपका 4x-1 × 67। नीचे देखो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 8 6 हो जाएगा और ये 2 और 2 अक्स और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और दोनों में भी माइनस की तो माइनस का सिंपल आ जाएगा 15 1 12 1 13 1 और 2 3 5 तो 4x-1 × 67 इक्वल पाई अपॉन 4। अब देखो यहां से फर्स्ट को 4 से करेंगे सेकंड को 3rd से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा देखो यहां से 10 inverse 2 3 5 x + 2 2 6 × ये हो जाएगा आपका 4x-1 × 67। नीचे आपका हो जाएगा 4x-1 × 67 ये इससे और ये आ जाएगा आपका यहां पर × 2 2 6 x - 2 3 5 इक्वल पाई अपॉन 4। यहां से ये पार्ट तो कैंसिल हो गया तो आपका बचा 10 inverse 2 3 5 x + 2 2 6 upon 2 2 6 x - 2 3 5 इक्वल पाई अपॉन 4। अब ये 10 inverse उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा यहां से देखो 2 3 5 x + 2 2 6 upon 2 2 6 x - 2 3 5 इक्वल 10 pi upon 4 और 10 pi upon 4 आपका क्या होता है 1। अब देखो यहां से 2 3 5 x + 2 2 6 x - 2 3 5 इक्वल इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब क्या कर देंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो इसको करेंगे इधर तो ये बनेगा 2 3 5 x + 2 2 6 इक्वल इधर करेंगे तो 2 2 6 x - 2 3 5 अक्स को अक्स की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2 2 6 x और -2 3 5 ये प्लस है उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस। अब देखो यहां से ये देखो कितना बचेगा ये बचेगा आपका माइनस इक्वल ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस आएगा और 1 5 6 11 1 हो जाएगा 3 2 5 1 6 2 2 4 तो अक्स इक्वल हो जाएगा -4 6 1 upon 9 तो अक्स की वैल्यू आपके पास में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है sin inverse x + sin inverse y = 2 pi upon 3 cos inverse x - cos inverse y = pi upon 3 ये क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। देखो सॉल्यूशन यानी दो इक्वेशन दी हुई है अपने को टू इक्वेशन अपने पास में। सबसे पहले देखो मैंने लिखा है sin inverse x + sin inverse y = 2 pi upon 3 cos inverse x - cos inverse y = pi upon 3 ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है यानी मैंने क्वेश्चन में दो इक्वेशन बता दिया आपको। अब देखो अपन ने पढ़ा है यहां से प्रॉपर्टी में बताती हूँ आपको cos inverse x + sin inverse x = π/2 ओके और cos inverse y plus
साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई टू, यानी थीटा सेम होना चाहिए यहाँ पर, इसके इक्वल कितना होता है पाई बाई टू। अब मैंने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, का मैं सॉल्यूशन करूंगी, यहां से मैंने कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड कर रही हूं, तो यहां से हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई। इसमें कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी और कॉस इनवर्स वाई, और दोनों वैल्यू यहां कर दूंगी, तो कॉस इनवर्स एक्स की आपकी आ रही है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की क्या आ रही है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई। कहने का मतलब ये है अगर एक्स था पहले में तो मैंने इसमें एक्स रख लिया, सेकंड में आपका वाई है तो यहां मैंने वाई पुट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड की। अब देखो नेक्स्ट आपका पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई अपॉन थ्री। यहां से पाई बाय टू से पाई बाय टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो ये बचेगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई अपॉन थ्री। ओके इसको डाल दी मैंने क्वेश्चन थर्ड। अब देखो नेक्स्ट अपन ने क्या किया, यहां से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड को दोनों को एड कर दिया, तो देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट देखो आपकी एलएचएस पार्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका एलएचएस पार्ट है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल, उसका आरएचएस पार्ट है टू पाई अपॉन थ्री और इसका आरएचएस पार्ट क्या है यहां से पाई अपॉन थ्री। यहां से देखो इसका एलसीएम लूंगी तो थ्री आ जाएगा टू पाई प्लस पाई हो जाएगा, यहां से ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल, ये चल रहा है। यहां से देखो ये पार्ट क्या जाएगा कैंसिल, तो देखो साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई ये कितने बन जाएंगे टू साइन इनवर्स वाई इक्वल थ्री पाई अपॉन थ्री, थ्री से थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टू साइन इनवर्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका पाई, और यहां से साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई टू। यहां से देखो एक बार साइन इनवर्स वाई है तो वाई को यही रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू, और अपने को पता है साइन पाई बाई टू आपका क्या होता है वन, तो वाई इक्वल में यहां से क्या आ जाएगा वन, y की वैल्यू क्या आ गई है यहां पर वन, तो y की वैल्यू वन अपन क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या इक्वेशन थर्ड में, तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट तो देखो इक्वेशन थर्ड थी माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई अपॉन थ्री, तो देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है वन इक्वल पाई अपॉन थ्री, तो यहां से देखो अब यहां से साइन इनवर्स वन ये वाला पार्ट है इसके इक्वल मैंने ले लिया यहां से थीटा, तो वन इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन में ये वैल्यू किसकी होती है यहां से ये चेक करना है तो किसकी होती है पाई बाई टू। ओके तो थीटा इक्वल आपका क्या आ जाएगा यहां से पाई बाई टू। अब देखो यहां से माइनस साइन इनवर्स एक्स इसको अपन ने क्या लिया यहां से थीटा, तो थीटा इक्वल पाई अपॉन थ्री हो गया
माइनस साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई टू इक्वल पाई अपॉन थ्री हो जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन थ्री माइनस, तो यहां से देखो साइन इनवर्स एक्स यानी माइनस है इक्वल, इसका एलसीएम कितना जाएगा यहां से सिक्स, तो टू पाई माइनस थ्री पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन सिक्स, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां से एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन सिक्स। अब देखो यहां से साइन पाई अपॉन सिक्स आपका क्या होता है, तो एक्स इक्वल साइन पाई अपॉन सिक्स यानी वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी यहां से वन बाई टू, यानी पाई अपॉन सिक्स आपका कितना हो गया यहां से थर्टी, और थर्टी के अकॉर्डिंग कितनी आ गई वन बाई टू। आप देखो अपने पास में एक्सरसाइज 2.1 में 25 क्वेश्चन थे अपने पास में, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपनी एक्सरसाइज आती है मिसलेनियस, उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मिसलेनियस में। फर्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन इज, प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए अपने पास में। इसमें ए ऑप्शन में 45 है, बी है 135, सी है -45, डी है -60। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां से अपने को क्वेश्चन में है टेन इनवर्स -1, ओके। तो देखो सबसे पहले यहां से ये दे रखा है, अपन ने ये पढ़ा है टेन इनवर्स यहां से माइनस एक्स इक्वल, अपन ने पढ़ा है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो देखो इसको सेट करेंगे यानी इसको सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपका हो जाएगा यहां से टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल माइनस टेन इनवर्स वन। अब इसको मैं यहां से इतने की पार्ट को देखो, टेन इनवर्स वन इक्वल यहां से ले लिया मैंने थीटा, तो वन इक्वल क्या हो गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल ये क्या होता है टेन 45, ओके। तो यहां से थीटा इक्वल कितना आ गया वन, सॉरी थीटा इक्वल में कितना आ गया 45, ओके। तो थीटा की वैल्यू यहां से 45 आ गई। अब 45 देखो यहां से यहां लिया था इसकी जगह, यानी इसकी जगह लिया था अपने, तो अपना चल रहा है टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल माइनस, इसकी जगह अपने पास में देखो क्या लिया था इसको थीटा, उसके बाद देखो टेन इनवर्स माइनस वन और थीटा की वैल्यू क्या है 45 और माइनस वन से, तो देखो अपने पास में माइनस 45, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी टेन के अकॉर्डिंग इसका ये है।
अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉस के अकॉर्डिंग। तो देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू अपने पास में यहां से कितनी हो जाएगी 1/2, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे मन लगा कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1। तो देखो कॉस इनवर्स 3/4 5/4 हो जाएगा। ओके फर्स्ट 4 से सेकंड 3rd से तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4 4/5, 4 से 4 कैंसिल, तो कॉस इनवर्स 3/5। देखो कॉस इनवर्स 3/5 तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। देखो 3rd क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/4 इक्वल थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा की पूछी है अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन 5/3, सेकंड 3/3, 3/4/3, 4/1/4। तो सॉल्यूशन में देखो अपने को दे रखा है tan इनवर्स 3/4 इक्वल थीटा। ओके तो देखो यहां से 3/4 इक्वल क्या tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू ये अपने को क्या फाइंड करना है यहां से sin थीटा। तो देखो अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं, या तो sec से, sec में आइडेंटिटी होती है, sec को cos में कन्वर्ट कर लेना उसके बाद आ जाएगा, या फिर डायग्राम से कर सकते हैं अपन। यहां पे मैंने डाल दिया थीटा, ये डाल दिया a b c, 9th क्लास में पढ़ाया अपन ने। और यहां थीटा देखो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये देखना है। tan के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस, तो ये 3 और ये 4। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल भी बनते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो यूजिंग पाइथागोरस या फिर बोडाइन थ्योरम तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें क्या है एसी है, तो एसी स्क्वायर। बेस क्या है इसमें बीसी है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो देखो थीटा अगर यहां डालेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहती है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ये दो ही चेंज होते हैं बाकी नहीं होते। तो बेस आपका क्या है बीसी, तो ये कितना है 4, और परपेंडिकुलर आपका क्या है एबी, ये कितना आपका 3। तो एसी स्क्वायर इक्वल आपका आ जाएगा 16 और ये कितना होता है 9, तो एसी स्क्वायर इक्वल 25, एसी इक्वल √25, तो एसी इक्वल आपका कितना आ जाएगा यहां से 5। अब देखो ये तो एसी आया, तो एसी आ गया आपके पास में 5। उसके बाद देखो अपने को क्या फाइंड करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या आपकी 5, तो 3/5। तो देखो 3/5 आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो अपना आंसर आया साइन थीटा इक्वल 3/5, बट कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। यहां पे एक काम करना, यहां 3 को कट करके आप 5 कर देना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बी। तो यानी अपन क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल कितना है अपने पास में 3/5, और बी ऑप्शन ले लेंगे यहां से कितना हो जाएगा इसको यहां से नेगलेक्ट कर देंगे, यहां 3/5 आपका बी ऑप्शन बना लेंगे, आप बुक में चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। ओके okay?